और इसको हम लोग शॉर्टकट भी नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हो रहा है गाइस। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 9:31 और आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो आप लोग देखते रहिए और रात तक क्या क्या होगा वो सब बताएंगे। और अभी गाइस मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ, एकदम सवेरे का समय है, तो देखते रहिए रात तक क्या क्या होगा सब आप लोगों को जानकारी मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी घर आके पहुंचे हैं और 12:20 हो चुका है टाइम, तो अभी रात तक क्या क्या होगा वो सब आप लोग देखते रहिए ब्लॉग में। तो अभी घर आके पहुंचा हूं, तो थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं और उसके बाद नहाऊंगा, उसके बाद क्या क्या होगा वो सब बताएंगे, ठीक है? तो अभी घर में है तो इसके बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी चलिए पहले डीमू चलेंगे, क्योंकि थोड़ा काम है इसलिए चलिए डीमू चलते हैं पहले, उसके बाद क्या काम है वो आपको रास्ते में बताऊँगा मैं, ठीक है? तो चलिए, तो भाई जब ये चलिए चलते हैं पहले। डीमू में मतलब एक आदमी है, उनसे मिलना है मुझे, तो आज मिल भी लेंगे, लास्ट थोड़ा काम भी है वो काम भी कर लेंगे, और भी काम है थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन है कि वो ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, ट्यूशन पढ़ाने के बाद दुकान में जाएंगे, ठीक है ना? तो देखते रहिए और आज तक क्या क्या होगा वो सब बताएंगे। और दिन का बज चुका है आपका लगभग 2 बज चुका है शायद, 2 या 2:30 ऐसे बज चुका है अभी, मतलब मैं टाइम देख नहीं पाऊंगा गाइस, जैसे अनुमान से आपको बोल रहा हूँ। और बहुत दिन के बाद गाइस मतलब एवेंजर को चला रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि बहुत दिन से चलाया नहीं हूँ एवेंजर को, आज बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ, अच्छा लग रहा है चला के, क्योंकि आप मतलब बहुत दिन से अगर कोई भी चीज़ को नहीं चलाएंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट चलाने से थोड़ा अच्छा लगता है, वही बात है, अच्छा लग रहा है अभी। और देखिए एकदम पूरा 4-way जैसा हो चुका है पूरा रास्ता, और एकदम 4-way का फील दे रहा है अभी, अच्छा लगता है। तो मतलब इतना ऐसे 4-way जैसा जब बन जाएगा ना, तो चला के भी मज़ा आता है। लेकिन रास्ते में बहुत ऐसे केटल निकल के आते हैं, तो केटल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस अभी डीमू टाउन में मतलब मैं पहुंच चुका हूँ, वो पूरा डीमू टाउन है, लेकिन चारली से नहीं जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट एक दे देते हैं। ऐसे ही नहीं जाते हैं, जाने का मन नहीं करता है ना। और इसको हम लोग शॉर्टकट भी नहीं बोल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हो रहा है गाइस, इसको राजवा फील्ड बोला जाता है, राजवा फील्ड नहीं पब्लिक फील्ड बोला जाता है जहाँ को, तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, फंक्शन है शायद कुछ, हाँ कोई एक्टर का है। तो यार जो काम था वो भी कर लिया हूँ, और यहाँ पे पुचका भी खा लिया, तो अभी चलिए चलते हैं। अभी डायरेक्ट ट्यूशन जाना पड़ेगा, ट्यूशन कराता हूँ, तो ट्यूशन के बाद घर जाना पड़ेगा, एकदम पूरा पुचका खा लिया होगा गाइस, और पुचका खा के मतलब पूरा पेट पूरा मतलब एकदम फूल चुका है अभी। और मतलब थोड़ा यहाँ पे मतलब डीमू में काम भी था, वो सब काम भी कर लिया था, टाइम लेने के बाद अभी घर जाएंगे डायरेक्ट, घर नहीं ट्यूशन जाऊँगा। मैं शायद छुट्टी दिया है, छुट्टी हो गया है सर, यहाँ पे एक कॉलेज है शायद सका देखिए, जहाँ पे एक समय पे अपना भाई पढ़ता था, उसी कॉलेज का मतलब लड़का भी देख रहा हूँ मैं, कर रहा है
चुका है, अभी 4:50 हो चुका है और अभी गाइस एकदम शाम का समय है और यहाँ पे दुकान में बैठा हुआ हूँ मैं अभी। तो थोड़ी देर बाद घर जाएंगे जब रात हो चुका होगा। तो दिखते रहिए ब्लॉग, और दिव्यू में थोड़ा काम भी था, वो सब तो आप लोग को बोला ही हूँ मैं करके आया था। उसके बाद दाई टीशन चला गया, टीशन से अभी मतलब मैं यहाँ पे दुकान में बैठा हुआ हूँ और देखता हूँ रात तक क्या क्या होता है। तो देखते रहिए और आज रात को ये ब्लॉग आप लोग के पास पहुँच जाएगा, तो देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और शाम का समय है, एकदम देखिए एकदम शाम का समय है ये। तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 7:56 और एकदम रात हो चुका है और ये ब्लॉग गाइस यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा है ना। तो ये ब्लॉग अभी मतलब एडिट करके आप लोग को भेज दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा तो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो देखते रहिए और कल पूरा दिन क्या क्या होगा वो अभी आप लोग देखिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।